में मुझे रिपोर्ट देगा। जो भी गलत होगा, जो भी उसमें जिम्मेवार होगा, उसको जो सजा देनी चाहिए वो ये देखो गृह मंत्रालय, एक मिनट गृह मंत्रालय, एक मिनट रुको गृह मंत्रालय, ये देखो, अरे बाहर दिखाओ गृह मंत्रालय, ये देखो, ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं, रोको रोको रोको, दिखाओ गृह मंत्रालय, अरे ऐसे क्यों भैया दिखाते क्यों नहीं आप, ये देखो ये प्रदर्शनकारी आए ना मुझे रोकने के लिए, आप नीचे उतरो मेरे साथ, नीचे उतरो, गृह मंत्रालय ने, अरे छोड़ो गृह मंत्रालय को, अरे छोड़ो गृह मंत्रालय को, अब वो देखो पीछे दिखाओ, अरे भैया ऐसे थोड़ा करते हैं, अगर मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं तो दिखाओ, दिखा रहे हैं, चलो बाहर नीचे उतरो, कोई नहीं सर चले गए, नहीं चले नहीं गए, और नीचे दिखाऊं मैं आपको, क्या बोला तूने, और नीचे दिखाऊं मैं आपको, उतरो बोलिए, उतरो उतरो, ये फंस कैसी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस, आओ आओ भैया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे प्रधानमंत्री के साथ ही नहीं, आपके साथ भी प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, डैम ये प्रदर्शन करना डेमोक्रेटिक राइट है इन लोगों का, अगर ये मेरी गाड़ी को रोक सकते हैं तो आप देख सकते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, चन्नी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, चन्नी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे गजब बेइज्जती है, लोग इकट्ठा है, झंडे दिखाए जा रहे हैं, रास्ता तुम आज रोक रहे हो, ये टीवी में लाइव चल रहा है, इसलिए बाई चांस हो गया कि मैं गाड़ी में बैठा था, मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार, ऐ ना करो बिरे, ऐ ना देखो देखो, ऐ ना करो बिरे, सुनो सुनो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, जैसे इन्होंने मुझे रोका, हो सकता है वो उनकी गाड़ी रोक लेते, उनसे बात करने की कोशिश करते, अच्छा हमको सिखा रिया है, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं चन्नी साहब, उनको सड़क पे रोक लेना, सीएम भी तो कुछ होता है, छोटी चीज होता है, बहुत उतना ही होऊंगा मैं, क्या बोला तूने, उतना ही होऊंगा मैं, विशुद्ध चूतिए लड़के हो तुम, चुप रहो, भाई कैसी लगी आगे स्वाद